तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे हस्बैंड घर एक्चुअल पे गए हैं उत्तराखंड में। हम तो लखनऊ में रहते हैं किराए से। आज जो आ रहे हैं भी आएंगे, दिखाती हूँ आपको क्या सामान लाए हैं, क्या क्या लाए हैं। बहुत कुछ लाते हैं। हमारे उत्तराखंड का त्योहार है, मेन पर्व था हरेला करके, उस पे गए थे। उत्तराखंड का ये मेन पर्व है, ये मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। साइड चलो बच्चा, ये मेरी बेटी है, तो अभी आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या लाए हैं। बहुत कुछ लाए होंगे, देखेंगे क्या क्या। अभी तो ट्रेन में है, पहुंचने वाले होंगे, तो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। दोस्तों मेरे हस्बैंड आ गए हैं घर से, बहुत सारा सामान लाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ों में बहुत सारी दालें होती है, दालें लाए हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गोहत, इसको गोहत बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, देख के आप लोग पहचान सकते हैं क्या है ये। काफी अच्छा होता है, जिसको भी पथरी हो जाता है ये दाल का पानी पीने से सही हो जाता है उसकी पथरी। मेरे हस्बैंड को भी हो गई थी पथरी, अभी तो उनका सही हो रहा है, डॉक्टर ने बोला सही है, नहीं है अभी तो गल गई है। ये दाल बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और ये लाए हैं, ये क्या है, इसका तो नाम मुझे नहीं पता है, ये क्या है गोलू छोटे छोटे, ये राम लड्डू बनाने के लिए है, जो इसमें कृष्ण जन्माष्टमी में खाते हैं ना, इसको भून के इसका राम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, भेजा है घर से, ये सब पहाड़ी है, अपने खेत में उगे हुए हैं। और ये देखिए, मिक्स मसूर दाल है, जिसमें दो तरह की मसूर है, एक ब्लैक कलर की है और एक अपना ब्राउन कलर की है। ये देख लीजिए, जब बहुत सामान भेज रखा, तरह तरह की दालें हैं। और ये भट्ट है, आपको बता ही रखा है, ये देखिए भट्ट भी भेज रखा है, नया वाला फिर से हमारे पास था, वो खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा था, फिर से भेज दिया है, और सामान भेजा है। ये देखिए, ये मटर है, इसे जो ठंड में मटर आती है, हरी मटर, उसको छील के सुखा रखा है, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। इसको सुखाने के बाद इसको पानी में भिगो दो, उसके बाद इसकी सब्जी बनाओ, काफी अच्छी बनती है। ये देखिए, मस्त हो जाती है भीगने के बाद, एकदम वैसा ही हो जाता है जैसा हरी मटर आती है। ये देखिए, क्योंकि ठंड में ही आती है ये, फिर तो महंगी आधा हो जाती है। ये देखिए, ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर मतलब हरे धनिया की पत्तियों की है, ये हमारे पहाड़ों में बहुत चलती है। हरे पत्तियां जो होती है उसको धो के सुखा के उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हम मसाले सब्जी में डालते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, क्योंकि हर मौसम में हरी धनिया नहीं मिल पाती है बराबर। ये पाउडर डाल दिया, ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये। और आपको दिखाती है, देखिए हल्दी भी घर का भेज रखा है, ये देखिए ये हल्दी है, भेजा है हमने, यहाँ खरीदते हैं सारा, छोटी से छोटी चीजें सब भेज रखा है। ये देखिए, ताकि बच्चे परेशान ना हो। ये देखिए, ये लहसुन है, ये घर के लहसुन है, पहाड़ी लहसुन है, ये लाल कलर के रहते हैं, अंदर हल्के लाल होंगे, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, हल्के लाल लाल हैं, बड़े बड़े दाने हैं, ये अपने खेत में उगे थे लहसुन, लाए हैं 5-6 किलो तक है। बहुत सामान लाए हैं, और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सारे सामान, कुरकुरे वगैरह भी लाए हैं, कुरकुरे चिप्स, ये टोस्ट, ये सब भी लाए हैं, घर में सोचते हैं सब कुछ दे दो, सारी चीजें दे देते हैं। ये देखिए, और आपको दिखाती हूँ, नारियल भी लेके आए हैं, बहुत सामान ले आए हैं। ये देखिए, नारियल हमने फोड़ के खा लिया, ये देखिए नारियल तक लेके आए हैं, घर से दिए हैं। ये है नाशपाती भी दे दिए हैं, ये देखा आपने, ये छाछ देखिए, पूरा बॉटल घर का बना हुआ छाछ है, यहाँ बाजार से लेते उसकी झोली अच्छी नहीं बनती है, इसलिए घर से बना के छाछ भेजा है। ये छाछ बहुत ही खट्टा है,
झोली आप जानते होंगे, ये क्या बोलते हैं कढ़ी जिसको बोलते हैं, उसके लिए भेजा है। बहुत ही सामान भेजते हैं। वैसे मेरी दादी तो आलू प्याज भी रख देती हैं, वो चुपके से ना बैगों में आलू प्याज क्या क्या रख देती हैं, आपको क्या बताओ, हमें पता भी नहीं चलता है। यहाँ आने के बाद देखते हैं तो प्याज आलू सब निकलता है। ये देखिए कब भी भेज रखा है, हमारे दूध चाय जो भी पीने के लिए है। ये देखिए बाउल भी भेजा है नमकीन खाने के लिए। ये देखिए बहुत सामान भेजा है। और पूरी सब्जी भी भेजी थी, पूरी तो हमने खा ली, लाए और खराब हो गया सब्जी। तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, आलू के गुटके। आप लोग नहीं जानते होंगे पहाड़ों में आलू के गुटके होते हैं। ये देखिए अचार मम्मी ने बनाया है, मेरी सास ने, बहुत ही टेस्टी अचार हो रहा है, आम का अचार है। ये देखिए घी भी भेज रखा है कितना सारा, ये मम्मी ने बनाया है घर में घी। देखिए बहुत सामान भेजा है, बहुत कुछ भेजते हैं। उनको लगता है बच्चे परेशान होंगे, इसकी वजह से भेजते रहते हैं सामान, जाओ तो कुछ ना कुछ भेजते। पैसे भी भेजे हैं, जबकि यहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं फिर भी पैसे भी दे रखे हैं, मम्मी पापा है ना, इसलिए पैसे वगैरह भी देते रहते हैं। दोस्ते बताइएगा मेरी सास ससुर का प्यार कैसा लगा, और सब चीजें भेजते रहते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको सामान मेरे घर से आया है। हम पहाड़ी हैं इसलिए सारे सामान पहाड़ी है, दाल वगैरह सब पहाड़ों का ही है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि और वीडियो बनाऊं। कुछ कमी होगी तो आप बताइएगा, मैं उसमें करूंगी सुधार। ओके बाय, टेक केयर।